जब दोस्तों हम रूट ओवर रॉक के लिए पौधा पसंद करते हैं तो पौधा तो ऐसा होना चाहिए जिसमें रैपिड ग्रोथ होता हो, और रॉक ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ बात हो, और कुछ बात ना भी दिखे तो वो थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा लंबा हो। ये दोनों बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। तो स्प्रिंग के बाद पहला वर्क है इसके ऊपर, और ये इसकी थोड़ी इम्यूनिटी गड़बड़ा गई थी मेरे साथ, यहाँ डायबिटीज भी देखने को मिला है। ये थोड़ी बड़ी ब्रांच थी तो चलिए हमें इसको ट्रिम कर लेना है। ये पहला वर्क है तो ये बड़ी ब्रांच है तो थोड़ी बड़ी कैंची से काट देते हैं। तो इस तरह अनबैलेंस जब दिखता है दोस्तों तब यहाँ जो ब्रांचें होती है वो डाइबैक करने लग जाती है। देखिए ये डाइबैक नहीं होनी थी, हो गई है। साथ में डिफोलिएशन भी चलता रहेगा। तो ये पहला वर्क है दोस्तों, और रूट के साथ मैंने जैसे कि कहा बड़ा रूट ले, बड़ा रॉक लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्लांट जल्दी ही बड़ा होगा। तब क्या होगा कि रॉक ढक जाएगा हमारे प्लांट से, तो इसलिए जल्दी ही रॉक ढक जाता है, इसलिए हमें बड़ा ही रॉक लेना है। थोड़ा यहाँ दो ब्रांच है तो उसको रखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाएगा। अगर ज़मीन में रखे तो इस प्लांट को तो ये जल्दी कवर करता है रोग को। तो ये सब ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से और जल्दी से रोग को लपेटना चाहते हैं, इस रोग के साथ इस प्लांट को रोग के साथ लपेटना चाहते हैं या जकड़वाना चाहते हैं, तो उसको फ्री ग्रो करने के लिए रखना पड़ेगा। उसको ऐसे ही छोड़ दे प्लांट को तो भी चलता है, बाद में हम काम करते हैं, पर यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। ये पिछले साल अच्छे से रूट निकले थे, अब फिर से रूट निकल आएंगे। अब प्लांट भी अच्छे दिख रहा है दोस्तों, तो उसको मैं ज़मीन पे ही रखूँगा इस पॉट को, जिससे कुछ रूटें बाहर चली जाएंगी और ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगेगा। बट ब्रांचिंग पे काम भी शुरू हो चुका है, तो हम क्या करेंगे कि अनइवन ग्रोथ नहीं होने देना है। कहीं एक इस ब्रांच की तरह मोटी हो गई तो ये ब्रांच नहीं बचेगी, ऐसा अनइवन होने लगता है। इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसा ग्रोथ दिखते ही हटा देना है। अब स्प्रिंग में ज़्यादा ग्रो नहीं किया है ये प्लांट, तो मानसून के पानी से अच्छे से ग्रो होगा, और मानसून के बाद अक्टूबर में इस प्लांट का हम फिर से कट ऑफ मारेंगे इस तरह से, और इससे कुछ महीने बाद इसमें अच्छे से ग्रोथ होता है तो हम उसको जस्ट पिंच करेंगे दोस्तों, ट्रिमिंग नहीं, पिंचिंग यानी ऊपरी पार्ट हटाएंगे। तो जो भी ब्रांचिंग होगी वो अच्छे से हेल्दी हो जाएगी अक्टूबर तक, और जो कोई भी ग्रोथ होगा अक्टूबर में उसको हम हटा देंगे, और अगले स्प्रिंग आते आते वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस ग्रोथ को हम। तो यही सब करता रहना है दोस्तों, यानी अब हमने जो कुछ भी किया वो अभी प्लांट पे कुछ भी कर सकते हैं, यानी नया क्रिएशन करना चाहते हैं, नए प्लांट लगाना चाहते हैं, नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं। बट जब पीक मानसून होगा तब हमें सब रोक देना है, हार्वेस्टिंग भी नहीं कर सकते, नहीं तो प्लांट मर जाता है। फाइकस का हो तो अभी बोगनविलिया के कटिंग भी लग जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, नए प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, नए प्लांट लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।